फ्रेंड्स, वाइज इंग्लिश एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण हिंदी और गुजराती में जिसको बोलते हैं, उसमें हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल वही व्यवहारिक कुट प्रश्न जो होते हैं उसका हमें इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन हमें बनाना है क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण बनाना है, बाद में उसका सॉल्यूशन करना। तो आपको मैंने 3 मेथड से सिखा दिया है। आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, और आप रेगुलर हमारी फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में बताइए ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सके। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.1 में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट 306 है। इसको जरा हिंदी और गुजराती में भी बता देता हूं। कंसेक्यूटिव मतलब क्रमिक या क्रमानुसार, पॉजिटिव मतलब धन या धनात्मक, हिंदी में बोले तो धनात्मक, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, हिंदी में भी पूर्णांक बोलते हैं उसको। तो जो पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या नहीं है, वो धन है जो कि नेगेटिव नहीं है, जो क्रमिक है। क्रमिक का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे क्रमिक को ही हमें समझना पड़ेगा। जब क्रमिक संख्या बोला हो, क्रमिक सिंपल क्रमिक बोला हो या क्रमिक ऑड नंबर्स बोला हो, मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला हो, मतलब क्रमिक सम संख्या क्रम या क्रमिक विषम संख्या, या क्रम गुजराती में बोले तो क्रमिक एक ही संख्या, बेकी संख्या, युग्म संख्या, अयुग्म संख्या, ऐसे वर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। मतलब यहाँ पे क्रमिक संख्या है। अगर कोई एक संख्या हम 22 ले लेते तो क्रमिक संख्या 23, 22 और 23 भी हो सकती है, या 21 एंड 22 भी हो सकती है। तो ये दोनों क्रमिक संख्या, ये दोनों भी क्रमिक संख्या है। तो कोई भी एक संख्या हमें स्टार्ट करना है, अगर मैं यहाँ पे अभी हमने उदाहरण लिया तो 21, 22 और 23 में, अगर मैं 22 लेता हूँ तो उसकी क्रमिक संख्या में 22, 23 और 22, 21 भी आ सकता है। लेकिन मैं जो क्रमिक संख्या मैं मान रहा हूँ वो हमेशा, आपको पता है कि हम जो मानेंगे, हम जो सपोज करेंगे वो छोटी संख्या को करेंगे। तो हमारे पास जो दो क्रमिक संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर से, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उसमें से जो छोटी है, स्मॉल इंटीजर, वन ऑफ देम स्मॉल इंटीजर एंड सेकंड वन इज द बिग इंटीजर। तो स्मॉल इंटीजर मैं लेट करता हूँ, सपोज करता हूँ, लेट द स्मॉल इंटीजर इज एक्स, है ना। तो उसके बाद वाली कौन सी होगी, उसके बाद वाली क्रमिक संख्या कौन होगी, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर इज, क्योंकि वो इंटीजर है तो एक्स प्लस वन, एक बढ़ जाएगा उसमें, एक नंबर बढ़ जाएगा। अगर 22 है तो 23 हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट हमको दिया है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, गुणाकार। तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो फर्स्ट इंटीजर एक्स इंटू सेकेंड इंटीजर एक्स प्लस नेक्स्ट इंटीजर एक्स प्लस वन इक्वल टू 306। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू वन एक्स इक्वल टू 306। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। नॉर्मली क्या होता है कि इसका आप सोल्यूशन निकालोगे, सोल्यूशन आपका दो हमें पता है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे तो टू रूट्स मिलते हैं, मतलब एक्स की दो वैल्यू मिलती है, एक्स की दो वैल्यू मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों वैल्यू सही होती है, दोनों नंबर सही होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू मुझे मिलेगा, समझ लो कि यहाँ पे मतलब इसका आप सोल्यूशन करोगे तो मेरे हिसाब से 17 एंड 18 आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे एक्स का सोल्यूशन मिल गया 17,
यहाँ पे 17 रखूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 17, और ये मुझे 17 + 1 इज इक्वल टू 18, और ये नंबर्स हमारे सही है क्योंकि 17 × 18 करेंगे तो 306 आएगा। लेकिन दूसरा मुझे मिल सकता है एक्स जो है वो -18 मिल सकता है, क्योंकि मैंने वो स्मॉल लिया है तो -18 ये हो गया, उसमें +1 करूंगा तो -17 मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट उसका 306 हो जाएगा। तो क्या ये सही है? तो ये सॉल्यूशन हमारा सही नहीं है, तो -18 हमारा एक्स नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव धनात्मक या धन पूर्णांक संख्या है इंटीजर से, इसलिए इसको हम बोलेंगे वहां पे कि इन मतलब क्वेश्चन में दिया है द क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन इट इज गिवन पॉजिटिव नंबर बट इट इज नेगेटिव सो इट इज नॉट अवर सॉल्यूशन, सो वी विल टेक द सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 17 एंड एक्स प्लस नेक्स्ट इंटीजर इज x + 1 इज इक्वल टू 18 एंड द प्रोडक्ट इज 17 × 18 इज इक्वल टू 306। वो भी वेरीफाई तो करेगा लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसकी कंडीशन दी हुई, एक वर्ड दिया हुआ है उसके ऊपर से हमें कंडीशन मिलती है।